तूफानी तरीके से पढ़ सके और मजे कर सके पढ़ाई करके सो so, सभी को मेरी तरफ से वेरी 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 गुड आफ्टरनून उम्मीद करता हूं। सभी लोग एकदम बढ़िया है जोरदार है तूफानी है ताबड़ तोड़े छा रहे हैं मचा रहे है। किसी की भी लाइफ में कोई भी प्रकार की कोई भी चीज की दिक्कत नहीं है सबकी लाइफ एकदम धुआदार चल रही है एकदम फोड़ चल एकदम तूफानी चल रही है और सब एकदम लाइफ में मचा रहे है, है।

एक क्वेश्चन है सर आपका लैग के साथ कितना पुराना रिश्ता है देव तुम सिंगल हो तुम रिश्तों की बात ही मत करो वो ज्यादा अच्छा है तुम रहने दो तुम नहीं समझ पाओगे कोई भी रिश्ता तुम सिंगल हो तुम ना समझ पाओ तो जाने दो ओके ठीक है चलिए आज कुछ तूफानी करते हैं यस yes. आज तूफानी तो हम करने ही वाले हैं क्यों 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 क्योंकि आज हम क्या करने वाले हैं आज के दिन यारो हमारे ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के चार सेशन है फर्स्ट सेशन जिसमें आप अभी मौजूद हो सर पहले तो एक दिन में चार सेशन क्यों रखे यारो कल के दो सेशन हमारे मिस हो गए थे तो वो हमारा डीले नहीं होना चाहिए कवर अप हो जाना चाहिए इसलिए आज वो दो सेशन भी हम कवर अप करेंगे तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो ग्रुप वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ए की ही बात कर रहा हूं मैं जब यहाँ पे बात कर रहा हूँ चार सेशन की तो चारों सेशन ए की ही बात कर रहा हूँ सबसे पहले ग्रुप वन तो ग्रुप वन का अभी का जो सेशन है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेवन का रहेगा लेक्चर नंबर वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रहेगा लेक्चर नंबर वन राइट ग्रुप वन का एक और सेशन आपका होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेन का लेक्चर नंबर थ्री जो हमारा क्वेश्चंस का कल का था जो हम नहीं कर पाए थे दिस विल बी कंडक्टेड नाइन पी ये आपका रात को नौ बजे आज होने वाला है सेम चैनल पे राइट right? अगली चीज अगर मैं आपको बताऊं ग्रुप टू का तो ग्रुप टू के हमारे जो सेशन है यारो ग्रुप टू के सेशन में जी टू जी टू का सेशन आज हमारा पहला रहेगा एस सेवनटीन लेक्चर नंबर वन ये हमारा रहेगा साढ़े चार बजे कितने बजे रहेगा ये साढ़े चार बजे ठीक है यस फोर थर्टी पीएम को ये चीज हमारी होगी फोर थर्टी पी एम और उसके बाद जी टू जो है जी टू एस सेवनटीन सॉरी इसका फिर एक और रहेगा ए एस नाइन का लेक्चर नंबर थ्री ये हमारा कितने बजे रहेगा दिस विल बी सेवन थर्टी पी एम तो एवरीबडी प्लीज नोट दिस डाउन आज हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रीमियर लीग के रात को 10 बजे तक हम मिलते रहेंगे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रीमियर लीग आज करते रहेंगे तो सभी को सभी को सभी को यहां पे मैंने टाइम टेबल बता दिया है आज का पर्टिकुलर क्या है कल से वापस रूटीन चालू हो जाएगा आज दो लेक्चर इसलिए एक्स्ट्रा कर रहे हैं क्योंकि कल के दो लेक्चर हमारे छूट गए थे उस कारण से ओके okay, चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते है आगे सर ये टेन की ह हाँ, दो लेक्चर शेड्यूल्ड है आठ बजे और नौ बजे ओ एम जी एस टेन की दो लेक्स मी जस्ट गड़बड़ हो जाएगा ये तो गड़बड़ हो जाएगा एस टेन लेक्चर थ्री आठ बजे भी है नौ बजे भी है चलो ठीक है थैंक यू सो मच बताने के लिए हम कौन से लेक्चर में मिलेंगे सभी लोग हम कौन से लेक्चर में मिलेंगे नौ बजे आठ बजे वाला लेक्चर प्राइवेट कर दिया जाएगा आठ बजे वाला लेक्चर प्राइवेट कर दिया जाएगा हमने कौन से लेक्चर में सभी ने मिलना है हम आप सब से मिलेंगे नौ बजे वाले लेक्चर में सभी लोग नौ बजे वाले लेक्चर में ही आना ए एस का आठ बजे वाला लेक्चर में प्राइवेट करवा दूंगा ठीक है ये चीज सभी को क्लियर ओके चलिए स्टार्ट करते हैं ए एस के साथ सर ए एस आप कैसा रेट करोगे इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को

ये कंफ्यूजिंग इसीलिए लगता है स्टूडेंट्स को क्योंकि इसका जो बेस है जो मुद्दा है स्टूडेंट्स ही नहीं समझते खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रीड करके कुछ कुछ लर्न करने की कोशिश कर लेते हैं सो इफ वी अंडरस्टैंड द बेस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वी कैन मेक इट वेरी वेरी सिंपल वी कैन मेक इट वेरी वेरी सिंपल यस चलिए तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसको सिंपल बनाने की प्रोसेस हमारी आज स्टार्ट होगी और नेक्स्ट two डेज तक चलेगी ओके okay, तो सभी लोग तैयार है ए एस लेवन के साथ शुरुआत करने के लिए ए एस लेवन के साथ शुरुआत करने के लिए आई यू गाइज रेडी आई यू गाइज रेडी टू स्टार्ट विथ ए एस लेवन बताइए ऑल सेट आपके खत्म लॉजिक से ज्यादा लॉजिकल लॉजिक में आज तक नहीं ढूंढ पाया थैंक्स लॉट अरे बेड़ा आपने लॉजिक सी कुछ ऐसे है आज ही मैं ग्रुप टू के रामबान बैच में बैंकिंग कंपनी का वो प्रोविजनिंग पढ़ा रहा था जिसमें मैंने आपको लक्ष्य बैच में क्या चीज पढ़ाया था लक्ष्य बैच में मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई थी कि पंद्रह परसेंट सब स्टैंडर्ड के लिए पंद्रह में एक डालो तो पच्चीस हो जाता है फिर पंद्रह और पच्चीस को जोड़ो तो चालीस हो जाता है बस वही वाले लॉजिक्स आज की क्लास में मैं रामबाण बैच में ग्रुप टू के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था बैंकिंग कंपनी में तो अपने लॉजिक्स यार एकदम खतरनाक है एकदम एक तरफा है एकदम जोरदार है एकदम तूफानी है एकदम ताबड़तोड़ है लॉजिक्स का अपना कोई तोड़ी नहीं है लॉजिक्स का अपना कोई तोड़ी नहीं है, है ना यस yes, तो लॉजिक्स का अपना कोई तोड़ ही तोड़ी नहीं है चलो तो स्टार्ट करते हैं वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 से एंड द प्रोसेस टू मेक दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वेरी वेरी सिंपल अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 का पहले तो नाम ही पढ़ लो क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 क्या कहते हैं अकाउंटिंग फॉर इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में जो भी चेंजेस आते हैं उसके जो इफेक्ट है उसकी अकाउंटिंग सिंपल सी बात एक्सचेंज रेट होते हैं ना आज का एक्सचेंज रेट पचहत्तर रुपए दस दिन बाद का सेवेंटी एट रुपीज तो ये जो एक्सचेंज रेट में चेंज हो रहा है ये जो चेंज हो रहा है अरे यार लिखना यार ये जो एक्सचेंज रेट में चेंजेस हो रहे हैं उसके इफेक्ट जो भी है उसकी अकाउंटिंग क्या कैसे होनी चाहिए वो ए एस इलेवन बात करता है ठीक है सो ए एस इलेवन वेरी सिंपली टॉक्स अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में जो भी चेंजेस है उसके इफेक्ट की अकाउंटिंग करो ओके okay, चलिए तो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमने डिस्कस करनी है क्या क्या चीजें है जो हमने डिस्कस करनी है सभी लोग ना मेरे साथ यहाँ पे ये वाले पेज पे आएंगे ओके okay, अब ये पेज आपको पूरा हैंड रिटन पेज दिखेगा जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है जिससे आपको ये ए एस इलेवन समझना बहुत 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 ज्यादा आसान हो जाएगा तो चलिए शुरुआत करते ए एस इलेवन के साथ इसमें सबसे पहले मेरे साथ समझिए कि हमने कौन सी कौन सी चीजें यहाँ पे पढ़ना है कौन सी कौन सी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ना है एस इलेवन की जो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट वो है चार चीजें एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या ये AS में ना वो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात हो रही है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हो रहे हैं तो वो चार अलग अलग सिचुएशन में डिस्कस्ड है सबसे पहले आप अगर कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में एंटर हुए हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन मतलब सिंपल भाषा में क्या मैंने फॉरेन कंट्री से कुछ चीज फॉरेन करेंसी में खरीदे वहां से मैंने ये गुड्स परचेज किए ये मेरे गुड्स है वन लाख यूएस डॉलर का पेमेंट करने वाला हूं या फिर मैंने कुछ वहां पर सेल किया है मेरे गुड्स क्या है ये माउस मेरा गुड्स है ये माउस में वहां पर सेल करने वाला हूं उसके लिए मैंने रिसीव करना है टू लाख डॉलर वो हो गया मेरा

सब्सिडियरी हो सकता है असोसिएट हो सकता है मेरे बिजनेस का एक पार्ट फॉरेन कंट्री में सिचुएटेड है तो वो फॉरेन कंट्री में सिचुएटेड है तो इन दैट केस जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में चेंजेस आएंगे उसका इफेक्ट हम कैसे करेंगे दूसरी चीज तीसरी चीज जो है ना पैरा फोर्टी सिक्स जो यहाँ पे लिखा है ये सब हमारी पहली चीज से कहीं ना कहीं रिलेट होता है तो ये जब हम पढ़ेंगे दिस विल बी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग एंड लास्ट में हम एक चीज पढ़ेंगे फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट जिसके बारे में आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है दिस इज बी समथिंग ब्रांड न्यू फॉर ऑल ऑफ यू ओके, okay. ठीक so है ये वाले जो मेरे हैंड रिटर्न नोट्स है ना ये सबको मैं प्रोवाइड कर दूंगा इसमें टेंशन मत लेना सेम टू सेम यही नोट्स मैं सबको प्रोवाइड कर दूंगा फॉरन करेंसी ट्रांजेक्शन लेट स्टार्ट विद फॉर करेंसी ट्रांजेक्शन फॉरन करेंसी ट्रांजेक्शन क्या कहते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन मतलब ये एग्जाम्पल पे सभी लोग आ जाइए ये example में आप देख सकते हैं ये एक व्यक्ति है जो इंडिया में रहता है इंडिया में रहता है इसका नाम क्या है मिस्टर मिस्टर चंपक चंपक क्या नाम है इसका वो एक ट्रांजेक्शन में एंटर कर रहा है एक इंटरनेशनल व्यक्ति के साथ देखिए ये इंटरनेशनल व्यक्ति पूरा इंटरनेशनल ही दिख रहा है इसका नाम क्या है मिस्टर गोपाल रंगनाथन ओबामा ट्रम्प ठीक है एक उसमें छुट गया मिस्टर गोपाल रंगनाथन ओबामा ट्रंप और लास्ट में एक और चीज आनी चाहिए क्या आना चाहिए इसमें लास्ट में पहले तो ये कलर एक और चीज आनी चाहिए यस ये इसका नाम है मिस्टर जी आर ओ ठीक है मिस्टर जी आर ओ गोपाल रंगनाथन ओबामा ट्रंप बाइडन जिसको हम प्यार से बोलेंगे गोपू गोपू कहां का सिटीजन है गोपू यूएस में रहता है चंपक कहां पे रहता है चंपक रहता है इंडिया में चंपक कहां पे रहता है इंडिया में दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ है क्या ट्रांजैक्शन है कि ये जो चंपक है ना चंपक चंपक क्या करता है चंपक गुड्स परचेज करता है गोपू से गोपू कहां रहता है यूएस में और ये जो गुड्स है उसके लिए ये गोपू को यूएस डॉलर्स में पे करता है ये गोपू को क्या करता है यूएस डॉलर्स में पे करेगा ये जो ट्रांजैक्शन है इसे हम कहेंगे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन अब यहां पे क्या ऐसी इंपॉर्टेंट है जो हुई है यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो करेंसी था गुड्स परचेज करने का जो करेंसी था ना दैट वाज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी गुड्स परचेज करने का जो करेंसी था दैट वॉज इन फॉरन करेंसी गुड्स परचेज करने का करेंसी वॉज फॉरिन करेंसी ये ट्रांजेक्शन यूएस डॉलर में हुआ है दैट इज इंपॉर्टेंट सर दैट इज इंपॉर्टेंट मतलब अगर चंपक और गोपू के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ रहता और वो ये करेंसी में ना रहते हुए अगर रुपीस में रहता रुपीज सेवेंटी फाइव लैक्स यहां पर अगर रुपीज में दिया होता ना तो इसको हम फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन नहीं बोल सकते थे वी वुड नॉट हैव कॉल्ड इट फॉरन करेंसी ट्रांजेक्शन ये चीज सभी को क्लियर सो वट इज अ फॉर करेंसी ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन दो व्यक्तियों के बीच में जो फॉरन करेंसी में डिनोमिनेटेड रहे ये चीज सभी को क्लियर ये चीज सभी को क्लियर वही चीज मैंने देखो यहां पे लिखा है कि अगर ये रुपीज में डिनोमिनेटेड होता तो ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन नहीं होता था यही हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के बारे में क्या कहते हैं अ ट्रांजैक्शन डिनोमिनेटेड इन फॉरन करेंसी ऐसा ट्रांजैक्शन जो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेट किया गया हो जिसको एक्सप्रेस फॉरेन करेंसी में किया गया हो या फिर जिसका सेटलमेंट फॉरेन करेंसी में चाहिए इसमें यह जरूरी नहीं है कि एक इंडिया में एक यूएस में होना चाहिए ना 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 एक इंडिया में है एक यूएस में उन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन तो फॉरन करेंसी नहीं ट्रांजैक्शन में जो करेंसी यूज हो रही है वो फॉरेन करेंसी होनी चाहिए वो यहाँ पे बोला गया है जैसे कि और और सेलिंग ऑफ़ गुड्स सर्विस प्राइस डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी गोपू और चंपक के बीच का ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड था दूसरी चीज बोरोइंग ऑफ फंड्स आपने वहां से लोन लिया या वहां पे लोन दिया और वो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड हो किसी से भी लोन लेना और देना अगर वो भी फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन तीसरी चीज फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट ठीक है ये जैसे मैंने आपको पॉइंट नंबर फोर बोला था ना कि आपने अभी तक पढ़ाई नहीं है ऑल टुगेदर न्यू कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ेंगे वो चीज है तो वो एक एग्जाम्पल जाने दो बाकी चीजें ध्यान रखो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन के लिए तो सबसे पहले क्या सबको ये चीज समझा वॉट इज अ फॉरन करेंसी ट्रांजेक्शन सर वॉइस बहुत लो है नहीं यार वॉइस तो नॉर्मल है वॉइस प्रॉपर है वॉइस में कोई भी दिक्कत नहीं है सो इट मींस दो लोग अगर बेटा सिंपल सी बात मैंने क्या बोली देव शाह मैंने क्या बोला क्या बोला डिनोमिनेट ट्रांजैक्शन तेरा फॉरेन करेंसी में होना चाहिए तो वो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है ये चीज क्लियर ठीक है अब देखो अब देखो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन आपका हुआ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन आपका हुआ उसको बुक्स में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना आज मैंने वहां से गुड्स खरीदे मैं चंपक हूं मैंने गोपू से गुड्स खरीदे हैं मुझे अपनी बुक्स में लिखना पड़ेगा कि नहीं यस तो मैं अब क्या बोलता हूं उसको बुक्स में इनिशियली रिकॉग्नाइज कैसे करना सर जर्नल एंट्री तो बहुत सिंपल है जर्नल एंट्री क्या है परचेज टू गोपू पर गोपू से परचेज किया ना गुड्स तो परचेज अकाउंट डेबिट करूंगा गोपू को क्रेडिट करूंगा बट सर मैं तो इंडिया में रहता हूं मैं तो इंडिया में रहता हूं अमाउंट मैं रुपीज में लिखूंगा मैं डॉलर में अमाउंट नहीं लिखूंगा इंडिया में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं रुपीज में अमाउंट लिखूंगा ना कि डॉलर में तो सर इन दैट केस क्या किया जाए इन दैट केस क्या किया जाएगा सर इन दैट केस ये किया जाएगा कि हमें हमारे डॉलर का जो अमाउंट था एक लाख डॉलर का जो अमाउंट था इसको रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा और कन्वर्ट हम कैसे करेंगे जो हमारा जिस भी दिन ट्रांजैक्शन हुआ था डेट ऑफ ट्रांजैक्शन जो था समझिए पंद्रह अक्टूबर दो हजार बीस इस दिन को मैंने वहां से परचेज किया था इस दिन का एक्सचेंज रेट जो भी होगा उस पर मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा बहुत सिंपल सी बात जर्नल एंट्री आपको पता है मेरा मुद्दा क्या है रिकॉग्नाइज करते वक्त आप इसका अमाउंट क्या डॉलर्स नहीं रुपीज को रुपीज में कन्वर्ट कैसे करें जो भी दिन आपका ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन का एक्सचेंज रेट यूज करके हम इसे लिख लेंगे उस दिन का एक्सचेंज रेट हम यूज करके यहां पे लिख लेंगे ये चीज सभी को क्लियर ठीक है तो यहां पे क्या कहते हैं यहां पे इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कहा जाता है रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस आप फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे तो यहां पे बोलते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन जो है ना इनिशियल रिकॉग्निशन उसका स्पॉट रेट पे होना चाहिए सर उसके पहले भी कुछ लिखा है मॉनिटरी मॉनिटरी नॉन वो जाने दो खाली ये जो कॉलम है इस पे फोकस करो इनिशियल रिकॉग्निशन पे होना चाहिए स्पॉट रेट इनिशियल रिकॉग्निशन एट वॉट एट द स्पॉट रेट ये चीज सभी को क्लियर सर वॉट इज स्पॉट रेट वॉट इज स्पॉट रेट स्पॉट रेट बहुत सिंपल सी चीज है जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ कौन से दिन पंद्रह दस तो पंद्रह दस के रेट को क्या बोलते हैं स्पॉट रेट आज अभी इसी समय इसी वक्त इसी स्पॉट का रेट सत्तर रुपए ना लिखो सत्तर पे ये चीज क्लियर स्पॉट रेट कहते तो आप कोई भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का इनिशियल रिकॉग्निशन बुक्स में कौन से रेट पे करोगे स्पॉट रेट पे तो यहां पे हम लिख देंगे कौन से रेट पे हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे We will it at the spot rate. ये चीज सभी को क्लियर कौन से रेट पे करेंगे सर हम हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे एस ई स्पॉट रेट पर रिकॉग्नाइज करेंगे चीज क्लियर है सभी को ये चीज सभी को क्लियर इनिशियल रिकॉग्निशन एट विच रेट एट विच रेट इनिशियल रिकॉग्निशन एट द स्पॉट रेट इनिशियल रिकॉग्निशन एट द स्पॉट रेट सभी को क्लियर है ये एब्सोल्युटली क्लियर किसी को यहां तक कोई भी डाउट है प्लीज डू लेट मी नो प्लीज डू लेट मी नो तो यहां पे क्या बोलते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन इज डन एट द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन जिसको हम क्या समरी में क्या कहेंगे समरी में क्या कहेंगे जिसको हम समरी में कहेंगे कि हमारा इनिशियल रिकॉग्निशन कोई भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का इनिशियल रिकॉग्निशन कौन से रेट पे होगा स्पॉट गाइस विच रेट स्पॉट रेट सिंपल हे गाइस सिंपल अरे बताओ रे मुझे सिंपल 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 यहां तक तो बहुत सिंपल था कोई भी कोई भी कोई भी, भी कठिन चीज मैंने पढ़ाई नहीं अभी तक सिंपल सी चीज पढ़ाई सिंपल सी चीज ही बोलता है अब देखो इसके बाद आता है इनिशियल रिकॉग्निशन आपने कर दिया यस सर इनिशियल रिकॉग्निशन डन नेक्स्ट चीज इसमें आती है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का सब मेजरमेंट सर मतलब क्या देखो मित्रों यहां पे क्या बात हुई सर मैंने ना पहले ये जर्नल एंट्री पास की थी जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ था हमने ये जर्नल एंट्री पास की थी ये जर्नल एंट्री पास करने से क्या हो गया सर मैंने एक लाइब्रिटी क्रिएट कर दी ये जो गोपू है ना गोपू गोपू के नाम की एक लाइब्रिटी क्रिएट कर दी है सर अब ये लाइब्रिटी को बैलेंस शीट डेट पे हम क्या करेंगे बैलेंस शीट देखो अभी ये कौन सी डेट पे लाइब्रिटी रिकॉग्नाइज की पंद्रह अक्टूबर दो फिर ईयर एंड आएगा इयर एंड कब आएगा सर इयर एंड में आएगा मेरा 31 तीन यस सर ईयर एंड आएगा 31 तीन 21 को तो 31 तीन 21 को सर बुक्स में हम लाइबिलिटी वगैरह दिखाएंगे यस सर लाइबिलिटी कितने पे दिखाना सर इतने पर ही दिखाओ ना बेटा देखो इसमें कुछ दिक्कत है ये इतने पे अगर मैं दिखाता हूं एक लाख इंटू सत्तर की लाइबिलिटी में इस दिन पर भी दिखाता हूं और इस दिन का अगर एक्सचेंज रेट सेवेंटी फाइव हो गया तो यहां पे पंद्रह अक्टूबर को एक्सचेंज रेट सत्तर था तो मैंने लाइबिलिटी सत्तर पे दिखाई बट ईयर एंड पे मैं वो बैलेंस शीट बनाऊंगा उसमें बैलेंसिटीज लिखूंगा उसमें लिखूंगा जब मैं वहां पे लाइबिलिटीज लिखूंगा वहां पे मैंने गोपू का नाम लिखा गोपू का नाम और उसके आगे एक लाख इंटू सत्तर बट ईयर एंड पे एक्सचेंज रेट हो गया पचहत्तर ओ गॉड ये तो गड़बड़ हो जाएगा फिर गड़बड़ होगा कि नहीं गड़बड़ होगा कि नहीं गड़बड़ होगा कि नहीं गड़बड़ होगा कि नहीं बताइए मुझे गड़बड़ होगा या नहीं होगा सर गड़बड़ होगा बिल्कुल होगा हंड्रेड परसेंट होगा है ना गड़बड़ होगा क्योंकि उस दिन का एक्सचेंज रेट इकतीस तीन का पचहत्तर और मैं लिख रहा हूं सत्तर पे तो अब क्या करना सत्तर पर ही लिखू या पचहत्तर पे लिखू is तो उसके लिए देखो क्या बोलते हैं आपकी अब ये जो लाइबिलिटी क्रिएट हुई उसका आपको सबसिक्वेंट मेजरमेंट जब बैलेंस शीट डेट पे करना है सबसिक्वेंट मेजरमेंट जब बैलेंस शीट डेट पे करना है तो आप कितने पे करेंगे कितने पे करेंगे कितने पे करेंगे, कितने पे करेंगे? सबसिक्वेंट मेजरमेंट जब आप इकतीस तीन इक्कीस को करेंगे तो आपको आपकी सारी एंड लाइबिलिटीज को दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा अब सभी लोग ध्यान देना ये आप समझ गए तो लगभग पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ गए तो अब जो चीज मैं बोल रहा हूं सभी लोग एकदम 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 गौर फरमाएंगे सभी लोग बहुत अच्छे से यहां पे ध्यान देंगे ठीक है मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा था एक बार पूरा समराइज करके यहां तक लाके छोड़ता हूं फिर मैं ये मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी का बाइफर्केशन स्टार्ट करूंगा मैंने अभी आपके साथ क्या चीज चालू की मैंने ए एस का पहला हिस्सा चालू किया फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन कब होता है जब डिनोमिनेटेड फॉरेन करेंसी में हो इनिशियल रिकॉग्निशन पे होना चाहिए सर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का जो एक्सचेंज रेट है है जिसको स्पॉट रेट बोलते हैं उस इनिशियल रिकॉग्निशन होना चाहिए सर अब मुद्दा यह कि यही जो हैिटी क्रिएट हुई उसको जब बैलेंस शीट डेट पे हम लिखेंगे हमारी बैलेंस शीट में तो अब इसको सत्तर पे लिखे या यहां पे इस डेट पे जो रेट रहे से फॉर एग्जांपल सेवेंटी फाइव तो ये लाइबिलिटी को सेवन पे लिखा जाए या सेवेंटी अब वो मेरा मुद्दा है मतलब मुद्दा है सबसीक्वेंट मेजरमेंट का मुद्दा क्या है सबसीक्वेंट मेजरमेंट का मेरा मुद्दा है तो सर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करने के लिए अब क्या करना है सर असिट्स और लाइबिलिटीज को हमने दो हिस्सों में तोड़ना है एक मॉनिटरी एक नॉन मॉनिटरी सर व्हाट इज मॉनिटरी व्हाट इज नॉन मॉनिटरी ये चीज हमें समझा दे कोई तो बहुत भला हो जाएगा उस इंसान का उस इंसान को मुकेश अंबानी के बाद इंडिया का सेकेंड रिचेस्ट व्यक्ति ऊपर वाला बना देगा ठीक है ज्यादा लालच नहीं है एकदम रिचेस्ट बनने की आई एम हैप्पी विद द सेकेंड रिचेस्ट ये चीज क्लियर है सभी को ठीक है ठीक है ठीक है सर आप में तो लालच बिल्कुल ही नहीं भरी है सर ऐसा कैसे ऐसा कैसे आप कैसे इतने इतने बड़े आदमी हो जिसको लालच ही नहीं है किसी चीज की नहीं है भैया लालच नहीं है चलो आओ मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी आइटम्स का हम क्या करते हैं अब फर्क समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है तो देखिए मॉनिटरी आइटम्स की डेफिनेशन दी है ये जो ये डेफिनेशन में नहीं आता वो नॉन मॉनिटरी सिंपल सी बात जो मॉनिटरी नहीं है वो नॉन मॉनिटरी तो हमने क्या समझना है मॉनिटरी क्या चीज है ओके okay. मॉनिटरी में बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो अगर आपको कैश बैंक चेक इन हैंड वगैरह वगैरह दिया है तो वो आपका मॉनिटरी हो गया ठीक है असेट्स रिसीवेबल इन मनी लाइबिलिटी पेबल इन मनी असेट्स रिसीवेबल इन मनी लाइबिलिटी पेबल इन मनी मॉनिटरी सर देखो असेट्स के कुछ नाम लो असेट्स के कुछ नाम लो असेट्स के कुछ नाम लेता हूं डेटर्स बिल्स रिसीवेबल कैश मशीन लैंड बिल्डिंग स्टॉक इन्वेंट्री और हो गए बहुत हो गए रिसिवेबल इन मनी सर डेटर्स रिसिवेबल इन मनी बिल्स रिसीवेबल रिसीवेबल इन मनी मशीन रिसिवेबल इन मनी और फिर मशीन के बाद लैंड रिसीवेबल इन मनी मतलब ये असेट से पैसा आएगा रिसीवेबल रिसीवेबल मनी रिसीवेबल फिर स्टॉक रिसीवेबल इन मनी और फिर सर क्या था कैश कैश तो मनी ठीक थी, है तो ये सब चीजें क्या हो गई ये सब मॉनिटरी आइटम अब मैं आपको बोलू इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स इन्वेस्टमेंट इन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ये असेट है ना मैंने किसी कंपनी के डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट इन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड हाँ सर ये थोड़े कठिन नाम लग रहे हैं ये कठिन नाम है ना सर इसको नॉन मॉनिटरी कर देते मतलब सर आपने एक सिंपल सा हमें क्या दे दिया कि जो इजी इजी नाम वाले एसेट से वो हमारे मॉनिटरी हो जाएंगे जो डिफिकल्ट नाम वाले एसेट से वो नॉन मॉनिटरी हो जाएंगे बच्चे इस ए एस में मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी का बाइफर्केशन ऐसे ही करते ये मैं नहीं कर रहा हूं ये बच्चे ऐसा करते हैं कि सर इसका नाम बहुत अलग है

यहां पे जब बोलते हैं रिसीवेबल इन मनी उसका मीनिंग बहुत सिंपल है डेटर 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 कौन है है मैं हु, मैं हूं हूं चंपक मेरा एक चुंबक ठीक है मेरा एक डेटर है चुंबक ये है चुंबक ठीक है चुंबक जहां जाता है चिपक जाता है जिससे भी जाता है चिपक जाता है तो चुंबक से मैंने पैसे लेना है वो वहां पे बनाया था ना चुंबक मैंने चुंबक को बोला कम कमियर पैसे दे चुंबक बोले कल दूंगा मैंने बोला कम कमियर पैसे दे वो रोज जब मिल रहा है तो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ वो मेरा असेट है ना असेट यस और जब वो मेरा असेट है मैं उससे क्या चीज मांग रहा हूं क्या चीज मांग रहा हूं क्या चीज मांग रहा हूं मैं पैसे मांग रहा हूं तो ये रिसीवेबल इन मनी हुआ चुंबक से मैं पैसे मांग रहा हूं यस तो ये क्या चीज हो गई ये मेरा मॉनिटरी असेट हो गया ये क्या चीज हो गई दिस इज माई मॉनिटरी असेट ये चीज सभी को क्लियर ये चुंबक जो मेरा डेटर था वो मेरा क्या हो गया मॉनिटरी हो गया वैसे ही लैंड अब देखो लैंड लैंड मेरा मॉनिटरी है या नॉन मॉनिटरी सर आपने लिखा था मॉनिटरी काट दिया और नॉन मॉनिटरी बोला है क्यों वो वहां पे देखो मेरी जमीन है ये 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 जमीन देखो दिखी वहां पे जमीन दिखी जमीन वहां पे बने वो जमीन है वो जमीन को बोलता पैसे दे जमीन भी देख रही है अब बावला बावला हो गया क्या फिर बोला अगले दिन जाके जमीन को जमीन पैसे दे फिर जमीन देख रही बावला बावला हो गया क्या मैं क्या जमीन से पैसे निकाल सकता हूँ क्या जमीन से क्या कुछ रिसीवेबल है क्या सर जमीन बेच दो तो पैसा ही पैसा आएगा करोड़ों रुपए आएंगे जमीन अगर बेच दिया बच्चों तो बेचने के बाद तो वो मेरा असेट ही नहीं है असेट जब है वो मेरा तब उससे पैसे रिसीवेबल होने चाहिए जब वो असेट है तब क्या उससे पैसे ले सकते हो बेचने के बाद तो कोई भी चीज से पैसे ले लोगे बेच दिया तो जमीन मेरा असेट ही नहीं है ना तो ना वो है, ना वो वो है नॉन ही नहीं है तो क्या क्या नॉन जब वो वो है तब की बात हो रही वो जमीन को बोला पैसे दे पैसे दे पैसे दे अरे नहीं दे रहा वो पैसे कैसे देगा जमीन से रिसीवेबल इन मनी के फॉर्म में हम नहीं ले सकते चीजें ये मेरा नॉन मॉनिटरी हो गया ये चीज क्लियर स्टॉक

फिर देखो अब लाइबिलिटी के लिए क्या बोलते हैं लाइबिलिटी आपकी मॉनिटरी कब होगी जब वहां कुछ पेबल इन मनी रहेगा लाइबिलिटी को अगर आपने पैसा देना है तो इट इज पेबल इन मनी मतलब वो आपकी मॉनिटरी रहेगी तो क्रेडिटर क्रेडिटर मेरा कौन था क्रेडिटर मेरा कौन था वो गोपू ये रहा गोपो गोपू काका यस गोपू ऐसा ऐसा था ना एकदम तो ये गोपू मेरे को बोलता है अब गोपू आ देता है यार मैंने मैंने बोला what happened, मैंने बोला गोपू बोले पैसा दिया तू का जो भाषा में बात कर रहा तू पैसे दे मैंने उसको पैसे देना है क्या पेबल इन मनी है क्या ये liability? Yes, ये मनी है मनी सो इट विल गोपू बैंक है दिस इज वॉट दिस इज अ गोपू बैंक गोपू बैंक जी गोपू बैंक गोपु बैंक बैंक भी मेरे को को बुलाता है गोपु बैंक बोलते है बोलते इकड़े पैसा पैसा इसको तो दिबेंचर, मैंने मैंने किया था अब वो को मैंने क्या करना है सर एक फिक्स्ड समय के बाद दस साल बोलो बीस साल बोलो उसके बाद आपने उनको पैसा देना है तो डिबेंचर को भी पेबल इन मनी है ना हाँ सर ये जब मेरी लाइबिलिटी है ना इसको पेबल इन मनी है अगली चीज

रिडीमेबल मैंने प्रसर इ इशू किए मैंने इशू किए रिडीमेबल है मतलब मैंने इनको कुछ साल बाद पैसा देना ही है 110% पैसा देना ही है प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को तो जब मैंने इनको पैसा देना है दिस इज पेबल इन मनी तो ये क्या चीज हो जाएगी दिस विल बी मॉनिटरी अगली चीज पे आइए इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने इक्विटी शेयर्स इशू किए मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल है वो क्या मेरे पे आज लाइबिलिटी है उनको इन मनी क्या आज कोई इक्विटी शेयर होल्डर आके मुझे बोल सकता है मुझे पैसा चाहिए हाँ सर वो अपने शेयर्स मार्केट में बेच अरे बेटा वो बेच देंगे ठीक है बट मैं कंपनी हूं क्या मेरे पे कोई लाइबिलिटी है इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा देने की मेरे पे कोई लाइबिलिटी नहीं है उनको मनी देने की तो ये नॉन मॉनिटरी हो जाएगा वो शेयर होल्डर जाके मार्केट में बेचता है वगैरह वो अलग चीज है मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मेरे लिए क्या ये इक्विटी शेयर कैपिटल पे पैसा देने की लाइबिलिटी है इट इज इज इट पेबल इन मनी नो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इशू किया एक दूसरी कंपनी है उसके डिबेंचर्स मैंने परचेज किए तो आगे जाके मुझे वो डिबेंचर्स के अगेंस्ट में पैसा मिलेगा आज मैंने अपना पैसा लगाया है आगे जाके पैसा मिलेगा इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स इज एन अट विच इज रिसीवेबल इन मनी अ मोनिटरी असेट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर आज जाके मैंने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है मैंने क्या किया है किसी कंपनी के इक्विटी शेयर में मैं क्या कंपनी को जाके बोल सकता हूं क्या ला पैसा ला सर मैं मार्केट में जाके बेच सकता हूं राइट right. मैं मार्केट में जाके बेच सकता हूं मैं बट जब वो इक्विटी शेयर मेरे पास है मैं वो कंपनी से उसके अगेंस्ट में पैसा नहीं मांग सकता हूं इट इज अगेन अ नॉन मॉनिटरी असेट तो अब आपको मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी का बाइफर्केशन समझा सभी को डिड यू गाइज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी सभी को ये बाइफर्शन क्रिस्टल क्लियर सभी को ये बाइफोकेशन क्रिस्टल क्लियर मुझे बताइए बताइएडी इज द बाइफोकेशन हंड्रेड परसेंट क्लियर विद यू गाइज बाइफोकेशन क्लियर 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 किसी को इस बाइफोकेशन में कोई भी डाउट मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी के बाइफरकेशन में कोई भी डाउट ठीक है तो यहां पे देखो अब क्या कहते हैं अब सबसिक्वेंट मेजरमेंट के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो मेरा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हुआ है इसका ये जो लाइबिलिटी क्रिएट हुआ है ये लाइबिलिटी क्रिएट हुआ है ये लाइबिलिटी मैं 31 तीन 2021 को मैंने एक भी तो लिखा था ना यहां पे, एक का गायब हो गया 31/3/2021 को क्या करने वाला हूं ये जो लायबिलिटी है मेरी गोपू पे ये जो लायबिलिटी थी 31/3/2021 को मैं बैलेंस शीट में लिखने वाला था बैलेंस शीट में लिखते वक्त 31 तीन 21 को इसका रेट 75 था अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये लायबिलिटी को 70 पे लिखूं या 75 पे लिखूं उसके लिए मैंने आपको बोला कि हम क्या करेंगे हमारे एसेट्स या लायबिलिटीज जो भी है ना 31/3/21 को जो भी असेट्स या लाइबिलिटीज है इकतीस तीन इक्कीस को उनको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे एक होता है मॉनिटरी एक होता है नॉन मॉनिटरी अब बोलते हैं कि अगर आपका कोई भी मॉनिटरी आइटम है मॉनिटरी असेट और मॉनिटरी लाइबिलिटी फॉर दैट मैटर उसको क्लोजिंग रेट पे लिखना उसको क्लोजिंग रेट पे लिखना मतलब 75 पे लिखना आप पे लिखना क्लोजिंग रेट मतलब 75 पे लिख देना सर क्यों क्यों मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि आप अगर ये बैलेंस शीट बनाते हो ये मैंने बैलेंस शीट बनाई उसमें सर लाइबिलिटी साइड में मैं गोपू का नाम लिखूंगा और गोपू को वन लाख डॉलर मल्टीप्लाई बाय सेवेंटी फाइव करूंगा यस yes, गोपू को मैं बैलेंस शीट में वन लाख इंटू सेवेंटी फाइव पे दिखाऊंगा सर आपने स्टार्टिंग में उसको सेवेंटी पे दिखाया था ना यस बट ईयर एंड में उसको सेवेंटी पे दिखाऊंगा ऐसा क्यों बच्चों ये मेरा मॉनिटरी आइटम है मॉनिटरी आइटम मतलब कैश हो गया डेटर्स हो गया क्रेडिटर्स हो गया ये वो चीज़ है जिसमें मुझे पैसा देना है या लेना है अब अगर मैं बोलू कि आज की तारीख में मैंने कितना पैसा देना है मॉनिटरी आइटम्स पे पैसा देना है या लेना है यस yes. तो अगर मैं बैलेंस शीट डेट पे देखू कितना पैसा देना है या लेना है तो बैलेंस शीट डेट के ही रेट को लेके चलेंगे ना आज का जो रेट है बैलेंस शीट डेट का रेट मतलब जो क्लोजिंग रेट है उसी पे लेके चलेंगे इसलिए मॉनिटरी आइटम्स को हम क्लोजिंग रेट पे लिखते हैं मॉनिटरी आइटम्स को हम क्लोजिंग रेट पे लिखते हैं ये चीज सभी को क्लियर ये चीज सभी को क्लियर क्योंकि यहाँ पे पैसा देने लेने की बात हो रही है तो पैसे देने लेने की बात होती है तो आज के पैसे का रेट देखो ना इसलिए क्लोजिंग रेट पे आता है सेवेंटी फाइव पे ये चीज सभी को क्लियर हुई ये चीज सभी को क्लियर हंड्रेड परसेंट क्लियर हंड्रेड परसेंट क्लियर हंड्रेड परसेंट क्लियर यस सर बट अब इसमें एक चीज का फर्क आ गया एक चीज गड़बड़ हो गई ना सर एक चीज गड़बड़ हो गई क्या गड़बड़ हो गई मैंने पहले गोपू को सेवेंटी से क्रेडिट किया था मैंने गोपू को सेवेंटी से क्रेडिट किया था अब ऑल ऑफ अ सडन बैलेंस शीट में इसको सेवेंटी फाइव पे लिख रहा हूं सर तो ये सेंस नहीं बनता ना सेवेंटी पे क्रेडिट किया जर्नल एंट्री सेवेंटी पे पास की बैलेंस शीट में लिख रहा हूं तो लाइबिलिटी पांच रुपए से बढ़ गई ना सर हमारी लाइबिलिटी पांच रुपए से बढ़ गई तो तो नुकसान नुकसान हुआ ना सर तो नुकसान की आपको जर्नल एंट्री भी तो पास करनी पड़ेगी ना बच्चों बिल्कुल नुकसान की जर्नल एंट्री भी पास करेंगे जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे तेजस टेन और एक और एंट्री साथ में पास करना क्या रहेगी वो एंट्री आपकी सर लाइबिलिटी को मैं बढ़ाऊंगा गोपू को कर दूंगा क्रेडिट टू गोपू कितना सर एक लाख डॉलर इंटू पांच इतने से बढ़ा दूंगा फाइव रुपीज से लाइबिलिटी को मैंने बढ़ा दिया ठीक है और क्या करूंगा मेरा नुकसान हुआ ना नुकसान लॉस को डेबिट करूंगा लॉस जो है वो पी एन एल में मेरा डेबिट होगा एक लाख इंटू पांच एक लाख इंटू पांच ये चीज सभी को क्लियर ये चीज सभी को क्लियर क्लियर हुआ हो तो वो एक बार कोड देख लेना वहां पे वहां पे कुछ लिखा है मैंने बहुत काम की चीज़ें एक बार देख लो ध्यान से देख लो उसको बहुत अच्छे अल्फाज है बहुत अच्छे शब्द है बहुत अच्छे अक्षर है ध्यान से देख लेना सबको क्लियर हुआ हो तो ठीक है ठीक है ठीक है यस यहां तक सभी के दिमाग में बात गई यहां तक सभी के दिमाग में बात गई ठीक है यस कन्वर्टेबल है तो वो उसको मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी में प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करेंगे ओके चलिए 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 अगली चीज पे आते अगली चीज पे आते ओ नो ये यहाँ पे जूम ओ माई गॉड ये ऐसा जूम क्यों हो गया मुझे पता ही नहीं चाहिए ओ माई गॉड ओ माई गॉड ये ऐसा जूम हो गया ओ हो 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 ये क्या लिखा है क्या लिखा है टी ई जे एस वन जीरो ओ हो 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 क्या है ये ये क्या था मुझे तो पता ही नहीं है चलो ठीक है होगा जो भी होगा चलो ठीक अगली चीज पे आते हैं अभी मैंने बोला कि मॉनिटरी आइटम्स है तो क्लोजिंग रेट पे लेके चलना नॉन मॉनिटरी आइटम्स में अभी हमने क्या पढ़े इसमें पैसों का लेनदेन नहीं है ये असेट्स या लाइबिलिटीज में अभी वेन इट इज एन असेट वेन इट इज अ लाइबिलिटी पैसों का लेन की बात नहीं कर रहे हैं तो यहां पे बोलते हैं कि आपके जो नॉन मॉनिटरी आइटम्स है उस पर बैलेंस शीट डेट का रेट नहीं लगाने का तो सर कौन सा रेट लगाने का वेरी सिंपल उसके लिए नॉन मॉनिटरी को आगे और दो हिस्सों में तोड़ा है और दो हिस्सों में हमने नॉन मॉनिटरी को तोड़ा है पहला हिस्टोरिकल रेट दूसरा ऐसे नॉन मॉनिटरी जिसको हम रीवैल्यू करते हैं सर हिस्टोरिकल रेट मतलब क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट सॉरी हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब क्या मेरे कुछ बैलेंस शीट में नॉन मॉनिटरी पहले तो नॉन मॉनिटरी के नाम बता कुछ याद करो सर लैंड था सर बिल्डिंग था सर मशीन था सर स्टॉक था बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया चार याद हो गए ना ठीक है सर ये जो असेट्स की आपने बात की उसमें लैंड बिल्डिंग मशीन ये सारी चीज ना सर हमने जिस रेट पे खरीदा था सदियों पहले उसी रेट पे चलने देते हैं उसी कॉस्ट पे चलने देते हिस्टोरिकल कॉस्ट पांच साल पहले लैंड मैंने दो लाख रुपए में ली थी चल रही है दो लाख पे बिल्डिंग लिया था दो लाख पे उस पर पे जा रहे बट उसका बेस प्राइस कौन सा है? हिस्टोरिकल मशीन, बेस प्राइस कौन सा कॉस्ट बोलते हैं नॉन मॉनेटरी में जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलती है ना एसेट्स उस पे हिस्टोरिकल रेट लगाना मतलब आपने पांच साल पहले खरीदा था पांच साल पहले का रेट क्या था फिफ्टी फाइव 55 का रेट लगाओ और उसी पे चलने दो जिस दिन साल पहले के कॉस्ट पे लिख रहे हैं ना तो रेट रेट एक्सचेंज भी कौन सा लोगे साल पहले वाला उसी रेट पे चलने दो लाख तो डॉलर ,00 में खरीदा था रुपए नहीं दो लाख डॉलर में खरीदा था तो दो लाख इंटू फिफ्टी फाइव जो पांच साल पहले का रेट था वही यूज करना उसी पे चलने देना उसी पे चलने देना यह चीज सभी को क्लियर यह चीज सभी को क्लियर यह चीज सभी को क्लियर और ऐसी नॉन मॉनिटरी आइटम्स जिसको मैं रीवैल्यू करता हूं रीवैल्यू हो रही है उस पे कौन सा रेट लगाना जिस दिन भी उसको रीवैल्यू किए ना उस दिन का एक्सचेंज रेट लगाना सर हमने स्टॉक को ना आज जब बैलेंस शीट बना रहे हैं ना इकतीस तीन को आज ही रिवैल्यू किया मैंने अपने स्टॉक को बैलेंस शीट डेट पर ही उसका कॉस्ट निकाला उसका भी निकाला आज ही रिवैल्यू किया तो उस पर आज का एक्सचेंज रेट लगा देना जिस भी दिन आप रिवैल्यू करोगे उस दिन का एक्सचेंज रेट लगाओगे ये चीज सभी को क्लियर इज दिस क्लियर विद ऑल ऑफ यू सर तो आज का रेट तो क्लोजिंग रेट हो जाएगा तो वहां पे 75 क्लोजिंग रेट था तो यहां पे भी 75 लग जाएगा बेटा आज रिवैल्यू किए तो आज का रेट एक महीना पहले रिवैल्यू किए पहले का रेट पांच, पांच मिनट पहले का रेट वहां पे क्लोजिंग रेट फिक्स है वहां पे क्लोजिंग रेट फिक्स है ये चीज क्लियर सभी को ये चीज क्लियर ये चीज क्लियर ठीक है ये चीज अब एक बार हम क्या करते हैं पूरा समराइज करते सभी लोग ध्यान देना सभी लोग ध्यान देना सभी लोग ध्यान देना यहाँ पे मैंने क्या बोला एक बार पूरा समराइज करते सभी लोग मेरे साथ अच्छी तरीके से यहाँ पे ज्ञान ध्यान देंगे ज्ञान मैं दूंगा ध्यान आप दूंगे तो ज्ञान और ध्यान की शुरुआत अब करते हैं वापस समराइज करने के लिए सर आपने क्या चीज पढ़ाई पूरी स्टार्टिंग से बता रहा हूँ पूरी स्टार्टिंग से बता रहा हूँ सभी लोग ध्यान देना

हमने कर दिए इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया एट द स्पॉट रेट ये तो सिंपल बट सर अब इसमें देखो एक लाइबिलिटी बनी है हो सकता है ऐसा ही अगर सेल का ट्रांजैक्शन हुआ होता तो एक असेट बना होता या क्रेडिटर बनाए अगर सेल का ट्रांजैक्शन होता तो डेटर बनता तो यहाँ पे सर ट्रांजैक्शन में अगर कोई लाइबिलिटी या असेट क्रिएट हुआ है तो उसको हमने सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करना पड़ता है ईयर एंड पे ईयर एंड पे हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में हमें असेट्स और लाइबिलिटीज को सब्सिक्वेंटली मेजर करना पड़ता है सर केवल को करेंगे ये जो इनकम या एक्सपेंस हो रहा है उसका क्या ये परचेज या सेल जो इनकम या एक्सपेंस है उसका क्या बेटा ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाले हैं तो इसका मुझे टेंशन नहीं है बट असेट्स और लाइब्रिटीज मेरा नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो इसका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मुझे अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर इसको एक लाख इंटू सत्तर पे ले जाओ या एक लाख इंटू पचहत्तर पे ले जाओ काय पे ले जाओ दैट इज द क्वेश्चन तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करने के लिए मैंने अपने असेट्स और लाइबिलिटीज को दो हिस्सों में डिवाइड किया एक मॉनिटरी एक नॉन मॉनिटरी मॉनिटरी में क्या चीजें थी जो रिसीवेबल पेबल इन मनी थी मतलब डेटर्स हो गया क्रेडिटर्स हो गया इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स हो गया डिबेंचर्स इशूड हो गया ये सारी चीजें मेरी क्या थी ये मॉनिटरी थी जिसमें ये ऐसे असेट्स या लाइबिलिटीज है जिसमें रिसीवेबल इन मनी या पेबल इन मनी का बात हो रहा है

सर एक लाख इंटू पचहत्तर कैसे लाऊंगे आपने रिकॉर्ड तो सत्तर पर ही किया था मुझे अपनी लाइबिलिटी पांच रुपए से बढ़ानी पड़ेगी तो गोपू मतलब ओबामा ट्रंप को मैं पांच से क्रेडिट कर दूंगा और वो लॉस हो रहा है लॉस को मैं यहाँ पे डेबिट कर दूंगा ये चीज सभी को क्लियर ये चीज सभी को क्लियर ये चीज सभी को क्लियर हंड्रेड क्लियर अगली चीज सर ये तो मॉनेटरी आइटम्स की बात हुई आते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम्स पे सर जब हम बात करते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम्स की तो इसमें पैसे के लेन देन की बात नहीं हो रही है ये ऐसे असेट से ऐसी लाइबिलिटीज है जिसमें रिसीवेबल या पेबल की आज बात नहीं हो रही है तो इसको दो हिस्सों में तोड़ दो कौन से दो हिस्से एक हिस्टोरिकल कॉस्ट और दूसरा रिवैल्यूड सर हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब ऐसे ऐसेट जिसको हम पुरानी कॉस्ट पर ही लिखते रहते हैं तो उस उसपे एक्सचेंज रेट भी पुराना पुराना ही ही लगाओ लगाओ उस एक्सचेंज रेट भी ही लगाओ। मतलब सर साल पहले खरीदे थे दो लाख डॉलर में खरीदे थे और उस दिन का एक्सचेंज रेट था तो अभी भी पचपन का ही रेट चलने दो सर इसकी पांच साल पहले जब जर्नल एंट्री पास किए थे तो लैंड टू बैंक ये एंट्री हुई थी लैंड खरीदे थे लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक दो लाख इंटू पचपन पांच साल पहले तो आज भी बोलते वो जो लैंड है ना लैंड उसको दो लाख इंटू पचपन पर ही चलने दोगे हिस्टोरिकल रेट ही यूज होगा मतलब यहां पे ना एस जो ये गोपू के केस में लॉस हुआ वो यहां पे वो लॉस का स्कोप ही नहीं बचता यहां पे वो लॉस का स्कोप ही नहीं बचता क्योंकि जो पहले जो एक्सचेंज रेट यूज किया था आज भी वही एक्सचेंज रेट पे चलने दो ये सभी को क्लियर ये सभी को क्लियर और लास्ट में बोलते हैं कि अगर कोई नॉन मॉनिटरी आइटम आप रीवैल्यू कर रहे हो कोई नॉन मॉनिटरी आइटम को अगर आप रीवैल्यू करते हो जैसे कि स्टॉक कॉस्ट और एनआरवी बिच एवर इज लोवर तो वो रीवैल्यू होता है तो जिस भी दिन रीवैल्यू किए उस दिन का रेट यूज करना तो सर यहां पर देखो वापस क्या स्कोप है अगर सर मैंने पहले स्टॉक को लिखा था स्टॉक पहले मेरा चल रहा था कितने पे स्टॉक मेरा चल रहा था पहले से फॉर एग्जाम्पल से फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टॉक पहले चल रहा था सर एक लाख डॉलर का मेरा स्टॉक था एक लाख डॉलर का स्टॉक था ये उसका कॉस्ट था कॉस्ट वाज वन लाख डॉलर आज उसकी एनआरवी कितनी है आज उसकी एनआरवी है एट्टी थाउजेंड डॉलर एट्टी थाउजेंड डॉलर उसकी एनआरवी है तो सर मैं काय पे वैल्यू करूंगा सर आई विल वैल्यू इट एट एट्टी डॉलर

वेरी सिंपल वेरी सिंपल तो सर जैसा यहां पे कुछ प्रॉफिट लॉस हो रहा था ये देखो ये लॉस हो रहा था यहाँ पे वैसा सेम चीज यहाँ पे भी होगा ना यस yes, सर वैसा सेम चीज यहाँ पे भी होगा क्योंकि स्टॉक की वैल्यू कम हो गई तो स्टॉक को क्रेडिट करेंगे लॉस को डेबिट करेंगे लॉस को डेबिट कहाँ करेंगे पीएनएल में करेंगे वही चीज मैंने ऊपर लिखा हूं वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हूं कि यहाँ पे देखो दो जगह पे आपको प्रॉफिट लॉस का स्कोप था एक मॉनिटरी आइटम्स के केस में क्योंकि मॉनिटरी को पहले हम कोई और रेट पे लेके चलते थे अब कोई और रेट पे लेके चलते और दूसरा लॉस का स्कोप कहां पे है नॉन मॉनिटरी आइटम्स जो रीवैल्यू होते हैं क्योंकि पहले उसको कोई और रेट पे कोई और अमाउंट पे भी लेके चलते थे और अब जब रीवैल्यू कर रहे हैं तो अमाउंट भी चेंज हो रहा है और रेट भी चेंज हो रहा है तो दो जगह एक तो यहां पर और एक यहां पर हमारा प्रॉफिट लॉस का स्कोप है वो जो भी प्रॉफिट लॉस का स्कोप है वो हमारा पीएनएल में आता है वो हमारा पीएनएल में आता है ये चीज सभी को क्लियर हो गई ये चीज सभी को क्रिस्टल क्लैरिटी से दिमाग में गई इस केस में कोई प्रॉफिट लॉस है ही नहीं इस केस में कुछ भी प्रॉफिट लॉस नहीं है क्योंकि पांच साल पहले का अमाउंट पांच साल पहले का रेट जो था वही अमाउंट और वही रेट आज भी चलते रहेगा वही अमाउंट वही रेट आज भी चलते रहेगा अगर आपको मैं बताऊ ना अभी हमने अभी क्या किया है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा पढ़ लिया है फॉरेन करेंसी पूरा नाउ ठीक है यस एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी ओके फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन का पूरा हमारा हो चुका है तो देखो मैंने आपको नीचे में वो एंट्री लिख के बताई थी ना ये वाली एंट्री ये एंट्री यही एंट्री मैंने यहाँ पे भी पहले से लिखी हुई है कि इकतीस तीन को इकतीस तीन को हमारा एक्सचेंज रेट कितना है वन डॉलर इक्वल्स टू सेवेंटी फाइव तो जो ओबामा ट्रंप मतलब ये जो गोपू है गोपू गोपू को इनिशियली कितने रिकॉर्ड किया था सर गोपू को इनिशियली सत्तर पे रिकॉर्ड किया था अब इकतीस तीन को सर इज अ गोपूजरी आइटम ये लाइबिलिटी है है तो उसको सेवेंटी लिखना है तो मैं क्या करता हूं गोपू को पांच रुपए से बढ़ा के क्रेडिट कर देता हूं उसको पांच रुपए से क्रेडिट कर देता हूं और क्या करता हूं जो लॉस है उसको मैं डेबिट कर देता हूं पी एन एल में अब आगे नेक्स्ट चीज देखिए इसी एग्जाम्पल में मैंने एक और चीज एड की है इफ पेमेंट वॉज मेड टू गोपू ऑन थर्टीएथ फोर मतलब अगले साल तीस अप्रैल को मैंने उसको पेमेंट किया है वेन एक्सचेंज रेट वॉज वन डॉलर इक्वल्स टू सेवन सेवेंटी थ्री पास नेसेसरी जर्नल एंट्री मुझे बताइए ईयर एंड को गोपू कितने वैल्यू पे दिख रहा है पिछले साल का जो ईयर एंड था इकतीस तीन पे दिख रहा था सर 31 हजार 21 को गोपू 1 कितनेवनटी फाइव पे दिख रहा था 1 लाख इंटू सेवन सर 1 लाख इंटू सेवनटी कैसे 70 पे तो पहली रिकॉर्ड कर दिया था पांच रुपए से अब बढ़ा दिया तो अब 31 तीन को गोपू की वैल्यू वन लाख इंटू सेवन है तो ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 21-22 में भी कौन सी वैल्यू पे कैरी फॉरवर्ड हुआ है 75 की वैल्यू पे अब गोपू का सेटलमेंट कितने पे हुआ है देखिए गोपू का सेटलमेंट हुआ है 73 पे गोपू को कितना पे किया सर हमने गोपू को पे किया है 73 तो सर अब पेमेंट के टाइम क्या एंट्री सर पहले तो इसको 73 पे किया तो हमारे पास से पैसे गए हम क्या करेंगे सर देखिए बैंक को क्रेडिट कर देंगे बैंक को कितने से क्रेडिट करेंगे सर वन लाख इंटू सेवेंटी थ्री क्योंकि मेरे पास से एक लाख डॉलर और एक डॉलर के लिए सेवेंटी थ्री रुपीज गया तो बैंक को वन लाख इंटू सेवेंटी थ्री से क्रेडिट कर दिया अगली चीज क्या है अगली चीज क्या है गोपू का तो हिसाब अब पूरा खत्म हो गया ना मैंने गोपू को वन लाख डॉलर देना था मैंने उसको वन लाख डॉलर दे दिया तो हिसाब खत्म तो मैं गोपू को पूरा डेबिट कर दूंगा गोपू को कितने से डेबिट करूंगा गोपू को डेबिट किया वन लाख बट पूरा 75 से क्योंकि गोपू का पहले हिसाब अब 75 75 पे चल रहा था वो 75 का पूरा हिसाब खत्म कर दो क्योंकि मैंने गोपू को पूरा एक लाख डॉलर यहां पे दे दिया है मैंने उसको एक लाख डॉलर दे दिया मुझे सस्ते में मिला तो मैं क्या करूं मेरी गलती है क्या नहीं नहीं, नहीं, नहीं एक लाख डॉलर देना था मैंने दे दिया ठीक है तो गोप्पू को मैंने पूरा एक लाख डॉलर से डेबिट किया बट वो एक लाख इंटू सेवेंटी फाइव पे चल रहा था तो सेवेंटी फाइव से डेबिट कर दिया और दो रुपए का जो प्रॉफिट है वो मैंने पीएनएल में दिखा दिया ये चीज सभी को क्लियर ये चीज सभी को क्लियर ये चीज सभी को क्लियर ठीक है अब आज का मैं एक होमवर्क देता हूं ये चीज हम कल पढ़ेंगे ये चार्ट हम कल की क्लास में पढ़ेंगे बहुत ही सिंपल चार्ट है क्योंकि आज की क्लास की चीजें अगर हमें समझ गई है तो कल का यह चार्ट हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा बट उसके पहले आप लोग को सबको एक होमवर्क मैं दूंगा तो होमवर्क सभी लोग लिखेंगे होमवर्क सभी लोग लिखेंगे ये चीज मुझे हटाने दीजिए ठीक है एवरीबडी प्लीज राइट द होमवर्क एवरीबडी प्लीज राइट द होमवर्क होमवर्क क्या है पूरा जर्नल एंट्री है आपने पास करना है सोल्ड गुड्स टू सोल्ड गुड्स टू नाम बताओ यार कोई क्रिस रॉक नाम तो सुना ही होगा नाम तो सुना ही होगा नहीं होगा तो फिर गूगल कर लेना नाम आपको दिमाग में आ जाएगा अमाउंट रिसीवेबल अमाउंट

फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी टू अब एक्सचेंज रेट लिखो फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी टू को कितना था एक्सचेंज रेट वन डॉलर इक्वल्स टू सेवेंटी फिर एक्सचेंज रेट एज ऑन थर्टी वन थ्री ट्वेंटी टू मतलब बैलेंस शीट डेट पे वन डॉलर इक्वल्स टू सेवेंटी टू उसके बाद Exchange rate as on thirtieth April two thousand twenty two. One dollar equals to seventy five. Chris Rock made payment on thirtieth April. 22 past journal entries, past journal entries for initial recognition for initial recognition point number two recognition on balance sheet date recognition on balance sheet date and sath hi sath on the date of payment on the date of payment on the date of payment ठीक है ये चीज हो गई ये आपका आज का homework है ठीक है दिस इज होमवर्क फॉर टुडे और ये होमवर्क आप करो उसके पहले यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज बैच हम ले रहे हैं प्लसिक तो। ये तो अटेंड करना ही पड़ेगा वो ये खुद बंदा बिना चश्मे वाला आपको एडवांसिंग पढ़ा रहे हैं और ये चश्मे वाला बंदा आपको बता रहा है कि ये बिना चश्मे वाला बंदा और बाकी जो सारी फैकल्टीज है बहुत जोरदार एकदम तूफानी ताबड़तोड़ तरीके से एकदम मजा आ जाएगा यार ये बैच के लिए ना आपको प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा हमारे साथ जुड़िए कल से पच्चीस परसेंट रेट बढ़ रहे आज ले लीजिए सब्सक्रिप्शन क्या दिक्कत है प्लस आइकॉनिक का ले लो ना आज। तुमको दिक्कत क्या व्हाट इज योर प्रॉब्लम इन लाइफ आज मिल रहा है सब्सक्रिप्शन सस्ते में तो लो जल्दी

गॉड सर दिस इज मैजिकल यस और आपको ऐसा लगता है कि मेरी टीचिंग भी मैजिकल है आपको चीजें समझाती है दिमाग में डलवाती है लाइफ आपकी इजी बनाती है सब्जेक्ट आपके लिए इजी बनाता है तो ये कोड जरूर यूज कीजिए आप हमें टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे साथ वीकली टेस्ट सीरीज दे सकते हैं आपका 30%, 60%, 100 वैसे करके टेस्ट ली जाती है चेक करके मिलता है अनालिसिस साथ में मिलता है एग्जाम की प्रिपरेशन होती है एंड एट वॉट कॉस्ट वेरी चीप इसमें भी टेन ऑफ हो माई गॉड दिस इज टू मच तो ये क्या चीज है मेक 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 श्योर 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 आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और आज के आज क्योंकि कल से रेट बढ़ने वाला है ये देखो यहाँ पे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यहाँ डेज टू गो लिखा है बट वो फोर डेज टू गो नहीं है वो चार दिन पुराना पोस्टर है मैं चार दिन पुराना पोस्टर यूज कर रहा हूँ आज इन्होंने वनडे वाला भी पोस्टर दिया बट मैं वनडे वाला यूज नहीं कर रहा हूँ ये रेट बढ़ेगा पच्चीस परसेंट से यूज करो यार ओ जल्दी सब्सक्रिप्शन लो तेजस्ट डालो और बढ़िया यूज करके घर जाओ ना यार क्या टेंशन लेते हो तुम लोग जीवन में अभी पांच मिनट में ग्रुप टू के लेक्चर में आ जाओ यूट्यूब पे ठीक है ज्यादा बातें मैं करता नहीं हूँ वहां पे आओ ए एस सेवनटीन पढ़ेंगे एकदम राबचिक चल थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय जल्दी से सी मी ऑन द ग्रुप टू चैनल ए एस सेवनटीन के साथ टेक केयर बाय बाय आज ए एस टेन का लेक्चर नंबर थ्री ग्रुप वन के चैनल पे रात नौ बजे